प्रिय विद्यार्थियों, बोझ विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मैं बोझ विश्वविद्यालय का कुलपति आपको इस कार्यक्रम का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। बोझ विश्वविद्यालय दूर शिक्षा के क्षेत्र में, दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक नवीनतम प्रयोग करता रहा है और आज दूरदर्शन के माध्यम से ये जो कार्यक्रम आप सभी के लिए लगाए जा रहे हैं, जो प्रसारण किया जा रहा है, यह विशेष रूप से अभी पहले हफ्ते में बीएससी एवं बीए के विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है। यह बात विश्वविद्यालय में कार्य करते समय हम लोगों के ध्यान में आई थी कि क्षेत्रीय केंद्रों पर लगने वाली संपर्क कक्षाओं में कई विद्यार्थी अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहने की वजह से या अपनी नौकरी पेशा होने की वजह से या किन्हीं अन्य कारणों की वजह से नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा कैसे मिले, हम इसके बारे में कई दिनों तक विचार कर रहे थे और विचार करने के बाद यह तय किया हम लोगों ने, विश्वविद्यालय ने यह तय किया कि दूरदर्शन के माध्यम से, DDMP के माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि DDMP की रीच मध्य प्रदेश के हर कोने में इवन और इसके साथ साथ यहां तक कि भारत के कोने में है, तो DDMP की तरफ से ये एक विशेष पहल की गई और हम लोगों ने इस पहल को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई और आज से आपके लिए हम BSc प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, BA प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की सभी कक्षाएं, पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस आपके लिए दूरदर्शन के माध्यम से लगातार प्रसारित करेंगे। आप सभी को ऐसी सुविधा मिली है जो मध्य प्रदेश के कोने कोने तक पहुँच सकती हैं। चूँकि आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में और ऐसे छोटे छोटे गांवों में हमारे बोझ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहते हैं, जहां से महाविद्यालयों की दूरी कई किलोमीटर, कभी कभी 50, 60, 100 किलोमीटर तक होती है। तो ऐसे दूरी को पाटने के में और वहाँ तक रोज़ जाके कक्षाओं में उपस्थित होने में विद्यार्थियों की बड़ी परेशानी होती है। इन सभी को समाप्त करने के लिए हमने, बोझ विश्वविद्यालय ने यह नवाचार युक्त कार्यक्रम प्रारंभ करने का विचार किया, जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम अपने दृढ़ संकल्प को आगे बढ़ा सके। और इसी कड़ी में आज BSc प्रथम वर्ष और BA प्रथम वर्ष की कक्षाएँ लगेंगी। तो आप सभी को मेरा आह्वान है, मैं चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थी, चूँकि ये कोर्स और ये सिलेबस पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसा है, तो विद्यार्थी चाहे भोज विश्वविद्यालय के हों या किसी और विश्वविद्यालय के हों, वे सभी इन कार्यक्रमों का लाभ लें और इस कार्यक्रम के बाद भोज विश्वविद्यालय के सूचना वाले नंबरों पर, जो नंबर आपके पास हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, तथा ईमेल पर जरूर हमें सूचना दें कि उन्हें कार्यक्रम कैसा लगा और ये कार्यक्रम में वो और क्या परिवर्तन चाहते हैं, और हम लगातार रोज़ आपको विभिन्न कक्षाओं को लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे, जिसकी सूचना आपको अखबार या किसी और माध्यम से मिलेगी। तो मैं आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं, आप आएँ और इस प्रयोग का, इस महती प्रक्रिया का अवश्य लाभ लें। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी की चरण वंदना के पश्चात प्रिय बच्चों और श्रोताओं, हमारे सामने हमारे श्रोता और हमारे बच्चे BSc फर्स्ट ईयर गणित के छात्र हैं। BSc में प्यारे बच्चों गणित में 3 प्रश्न पत्र पढ़ाए जाते हैं। पहला प्रश्न पत्र, पहला पेपर, फर्स्ट पेपर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, बीजगणित और त्रिकोणमिति। दूसरा प्रश्न पत्र कैलकुलस कलन का होता है, साथ में तीसरा प्रश्न पत्र है अलजेब्रा वेक्टर एंड ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, सदिश कलन और ज्यामिति। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में, इस क्लास में मैं आपके सामने BSc
फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री की पहली इकाई फर्स्ट यूनिट लेकर के हाजिर हो रहा हूँ, अपनी बातें अपने ज्ञान को आप तक और आपकी जिज्ञासाओं को अपने तक लाने की कोशिश करूँगा। पहली यूनिट में सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है, हमें आव्यूह के बारे में पढ़ना है। आव्यूह के बारे में जब पढ़ना है तो हमारे स्क्रीन पे आव्यूह आ गए, आव्यूह सिद्धांत, जो हमारा लेक्चर वन कहलाएगा, यहाँ से हम शुरू करेंगे। इस आव्यूह सिद्धांत में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब कब पढ़ना है, साथ में क्यों पढ़ना है, क्या कितना कब और क्यों, यह साइंस के विद्यार्थी की मूलभूत क्यूरियोसिटी, मूलभूत आवश्यकताएं या मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, जिसको आप सभी बच्चे लोग निश्चित रूप से अपने दिमाग में लेकर के आए हैं। आइए हम आपसे आगे बात करें कि हम मैट्रिक्स को आपके सामने, आपके समक्ष इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, मैट्रिक्स से आपको परिचय कराना चाहते हैं। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, आपको ढेर सारी संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं को सिंबल्स में, व्यंजकों में लिखा जाता है, उनको पंक्तियों और स्तंभों में, रोज एंड कॉलम्स में व्यवस्थित करके लिखना ही आव्यूह कहलाता है, जिसकी सिंपल परिभाषा आपके बोर्ड पर दिख रही है। यह पंक्तियां और स्तंभ, रोज एंड कॉलम्स, स्तंभकार, आयताकार, वर्गाकार, कुछ भी हो सकते हैं, जो हम आगे आपसे बात करेंगे। आपके पास 4 नंबर, 5 नंबर, 6 प्रतीक, 10 सिंबल, 20 संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में, रोज एंड कॉलम्स में आप लिखें। इस लिखने की कला को, इस लिखने की व्यवस्था को हम आव्यूह नाम देते हैं। कैसे लिखें हम आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारे पास ये समीकरण है, समीकरण नंबर 1, 2x + 3y + z = 1, इक्वेशन नंबर 2, x + 2y + 2z = 4, इक्वेशन नंबर 3, 5x + 3y + z = 3। प्यारे बच्चों, आपने इसको 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपने इसको 11th और 12th में पढ़ा होगा। ये सिंपल से समीकरण हैं। समीकरण अगर कहा जाए तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आई, एक समस्या आई, एक क्वेश्चन आया, इनको आपको हल करना है। इस समस्या को हल करने की एक टेक्निक आज हम आपसे बताने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स थ्योरी। आव्यूह की सहायता से हम इन समीकरणों को कैसे हल करेंगे, तो पहले इन दिए गए समीकरणों से आव्यूह बनाएं। इस समीकरण निकाह का आव्यूह जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। जितनी गिनतियां हैं, जितने अंक हैं, एक्स वाई और जेड के जो कोफिशियंट हैं, एक्स वाई और जेड के जो गुणांक हैं, उन गुणांकों को आप ले लीजिए, एक्स वाई जेड को हटा दीजिए। एक्स वाई जेड के गुणांक पहली लाइन में 2, 3, 1, दूसरी लाइन में 1, 2, 2 और तीसरी लाइन में 5, 3, 1 है। हमने लिख लिया, पहली रो बन गई 2, 3, 1 की, दूसरी रो बनी 1, 2, 2 की और तीसरी रो बनी 5, 3, 1 की। कुछ बच्चे कह रहे होंगे, सर 1, 4, 3 भी लिखा हुआ आपने। हाँ, ये जो इक्वेशन के बाद एक्स वाई जेड से अतिरिक्त संख्याएं भी यूज की गई हैं इस समस्या को प्रस्तुत करने के लिए, उन संख्याओं को भी आप लिखेंगे, ये लिखा हुआ है। तो आपके पास एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को मैट्रिक्स में ट्रांसफर करना आपने सीखा, मैंने थोड़ा बताया। लेकिन हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों एम है कि इसका सलूशन चाहिए। सलूशन चाहने के लिए अभी तक आप इसको सॉल्व कर चुके हैं, अब हम मैट्रिक्स थ्योरी आपके सामने लाएंगे,
उस थ्योरी को जाने, उस सिद्धांतों को पहचाने और उन सिद्धांतों की मदद से आप इसी समीकरण को हल करें। इसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे कई समीकरण आएंगे जिनको हम और आप दोनों लोग मिलकर के हल करेंगे। तो आइए हम आपको मैट्रिक्स हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपके सामने लाए कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, उस सलूशन को पाने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं, मेथड 1, 2, 3, 4, 5, पांच तरीके से आप इसको हल कर सकते थे। अब छठवां तरीका आ गया, मैट्रिक्स मेथड, आव्यूह विधि, किसी भी समस्या को, किसी भी समीकरण को हल करने के। तो हम आव्यूहों के बारे में आप सामने कुछ अपने विचार लेके आ रहे हैं। हमने पहले बताया कि कोई भी आव्यूह होगा उसमें रो और कॉलम होंगे। आव्यूह आपके सामने लिखा हुआ है, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तीन रो हैं, तीन कॉलम हैं, इसलिए 3x3 या 3x3 की आव्यूह आपके सामने लिखी हुई है। इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों का क्या नाम लिखा जाए और उन नामों को लिखने के बाद उन पंक्तियों को अलग अलग कैसे लिखा जाए, ये आप रोज के पंक्ति के जब आएंगे तब मैंने आपके फिर लिख के बताया। R1 बोले तो रो मीन्स आर, वन मतलब पहली, पहली पंक्ति है A1, A2, A3, दूसरी पंक्ति है R2, B1, B2, B3, तीसरी पंक्ति है R3, C1, C2, C3। क्लियर? अगर क्लियर है तो इस आव्यूह में तीन पंक्तियां हैं, साथ में तीन कॉलम भी बताए गए, तीन स्तंभ भी बताए गए, उन स्तंभों को लिख के बताइए। आप अगर देखेंगे देन यू विल फाइंड C1, A1, B1, C1 पहला कॉलम, A2, B2, C2 दूसरा कॉलम, A3, B3, C3 तीसरा कॉलम, तीनों रो, तीनों कॉलम आप लिख सकते हैं क्योंकि इस आव्यूह में तीन रो और तीन कॉलम है। अगर इसमें चार रो होती तो चौथी रो आप लिख देते, इसमें पांच कॉलम होते तो चौथा और पांचवा कॉलम भी आप लिख सकते थे, आप लिख लेंगे मुझे ऐसा विश्वास है। हम थोड़ा आगे ले चलें आपको, फिर से वही चीज बार बार, मैट्रिक्स है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। हमने फिर से बताया कि रो R1, R2, R3, कॉलम C1, C2, C3। किसी को कोई डाउट तो आप जरूर पूछें, नहीं डाउट है तो आप देखें कि रो और कॉलम अलग अलग होते हैं, ये आपको जानना चाहिए। मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, पंक्तियां और स्तंभ होते हैं और सब अलग अलग होते हैं, तो ये स्पेसिफाई स्पेशली लिखा गया है कि अलग होते हैं। इस मैट्रिक्स में एक सज्जन ने अपना दिमाग लगाया, किसी भी मैथमेटिशियन ने दिमाग लगा देते हैं, जिसके पास होता है वो लगा देते हैं अपना दिमाग, कि जो रो है और जो कॉलम है इसको हम अदला बदली कर दें, कर सकते हैं, और अदला बदली करते ही उसका नाम हो जाता है ट्रांसपोज, हिंदी कुछ होता होगा परिवर्त होता है, हिंदी याद आ गई, बता दिया। ए आपको दिया गया है बोर्ड पे और इसके रोज जो थी A1, A2, A3 उसको कॉलम बना दिया A1, A2, A3, जो दूसरी रो थी B1, B2, B3 उसको दूसरा कॉलम बना दिया B1, B2, B3, तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया। इस बदलाव का नाम होता है ट्रांसपोज कर दिया आपने, मैट्रिक्स को थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर दिया, आपने नहीं किया, जिनने भी किया था उन्होंने। अब अंतर क्या आया देखें, जो नई मैट्रिक्स बनी जिसको ट्रांसपोज कह रहे हैं हम, परिवर्त दिए गए मैट्रिक्स का परिवर्त, उसकी रो देखें R1 हो गया A1, B1, C1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो A की कॉलम है पहला, वही A डैश का रो बन गया। तो बस रो और कॉलम, R2 देखें A2, B2, C2 एंड R3 देखें A3, B3, C3। अगर आप
नोट किए होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो जो ए की रोज़ हैं वो ए ट्रांसपोज के कॉलम बन गए, जो ए के कॉलम थे वो ए ट्रांसपोज के रोज़ बन गए। अब तीनों कॉलम हमने लिख दिया, C1, C2, C3। आगे बताना चाहेंगे, रोज़ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया। क्यों किया गया इसको हम आगे आपसे डिस्कशन लेंगे, आगे बताएंगे, लेकिन आप जानें कि रो और कॉलम अगर हमें दिया गया है तो हम उसको इंटरचेंज करके कोई नई मैट्रिक्स, नई थ्योरी पा सकते हैं। ट्रांसपोज इसको आपने हो सकता है पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जाने। आगे हम कहें कि जो हमने ये परिवर्तन किए, जो हमने अपना दिमाग लगाया कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो कर दें, उसके क्या क्या गुण होते हैं। चार प्रॉपर्टी आप लोग नोट कर दें। प्रॉपर्टी नंबर एक, मैट्रिक्स दी गई है, आपने उसके रो और कॉलम को बदल दिया, नई मैट्रिक्स बन गई ए ट्रांसपोज। फिर जो नई मिली उसके रो कॉलम को बदल देंगे तो पुरानी वाली मिल जाएगी। ये सिंपल सी थ्योरी है। तो ट्रांसपोज आप ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए। दूसरा, दो मैट्रिक्स जोड़ करके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज करके जोड़ें, दोनों बराबर रहेगा। तीसरा एक इंपॉर्टेंट, दो मैट्रिक्स ए और बी का गुणा लें, उसका ट्रांसपोज करें, तो ए और बी के ट्रांसपोज का गुणा सीधे करेंगे तो नहीं माना जाएगा, सही नहीं होगा। अब आपको रिवर्सल रूल, इसको रिवर्सल रूल कहा जाता है कि बी ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो प्रोडक्ट लेफ्ट साइड में ए और बी है, राइट साइड में उसको बी और ए लिखना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा प्रोडक्ट के आर्डर को, तब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी सही होती है। अब मैट्रिक्स आप लोगों ने आप लोग बच्चे पढ़े होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लें, उसका ट्रांसपोज निकालें, मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों बराबर हो जाएं, तो क्या हुआ, जो पहला रो था वो पहले कॉलम जैसा, दूसरी रो दूसरे कॉलम जैसा, तीसरी रो तीसरे कॉलम जैसा अगर है, ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित। शीशा देखते हैं ना, ग्लास मिरर, मिरर में देखो और उसमें कोई परिवर्तन न दिखे, ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और सिंबल के रूप में AIJ इक्वल टू AJI, लीडिंग डायगोनल, जो स्क्वायर मैट्रिक्स में एक विकर्ण होता है, विकर्ण पे शीशा लगा दें, ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की चीज़ ऊपर दिखने लग जाए और दोनों अंतर न दिखे, ऐसे का नाम होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, ये देखें 1, 3, 5, 3, 2, 9, 5, 9, 4 मैट्रिक्स है। डायगोनल में अगर जाएंगे हम तो 1, 2, 4 डायगोनल है, इस डायगोनल के ऊपर 3, 5, 9 है, नीचे 3, 5, 9 है, 5 की इमेज 5, 9 की इमेज 9 और 3 की इमेज 3। तो डायगोनल पे मिरर लगाते ही अगर कोई चेंज न दिखे, ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह कहते हैं। पहले एग्जाम्पल से कम क्लियर हुआ, दूसरा एग्जाम्पल आ गया, ये लीजिए, देखा 1, -3, 0, -3, 2, 19, 0, 19, 0 डायगोनल में 1, 2, 0 देखें, विकर्ण में 1, 2, 0 है, मिरर लगा दें, -3 की इमेज -3, 0 की इमेज 0, 19 की इमेज 19, तो कोई अंतर नहीं दिखेगा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कुछ लोगों के बच्चों के मन में आ सकती है कि सर प्लस लें, माइनस लें, कुछ भी, कोई भी नंबर लें, कोई भी सिंबल लें, सेम सिंगल डायगोनल के ऊपर और नीचे होना चाहिए इमेज के रूप में। कुछ डाउट है, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लीजिए 2, -3, 0, -3, 2, 19, 0, 19, 2 कहीं भी कुछ भी ले लें, 2, 2, 2 डायगोनल में आ गया, इस डायगोनल के ऊपर और नीचे आप जाएंगे, मिरर लगाएंगे डायगोनल पे तो सेम चीज़ें दिखेंगी, इसलिए इसको सिमेट्रिक
या सममित आव्यूह कहेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं आगे काम आएगा, लेकिन जब हम सिमेट्रिक पढ़ते हैं तो अपने आप दिमाग में आता है कि प्रतिसम्मित या एंटी सिमेट्रिक कुछ होना चाहिए, तो कहें हाँ इसकी सिमेट्रिक की बात कर लें। तो अगला आप एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न, एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान अपने आप प्रस्फुटित होता है। सिमेट्रिक पढ़ी, अब इसकी सिमेट्रिक पढ़ लीजिए। इसकी सिमेट्रिक में क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जब आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह के डायगोनल पर सीसा लगाएं तो ऊपर और नीचे संख्याओं का जोड़ जीरो होना चाहिए। संख्या और उसकी इमेज का सम योग जोड़ जीरो होना चाहिए। तो एक संख्या होगी और एक दूसरा उसकी छाया होगी सीसा लगाने पर, दोनों का जोड़ जीरो होना चाहिए। तो कहें ठीक है, अब इसको लिखें कैसे, कहीं इस तरह लिख दें ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, आई जे डायगोनल के नीचे, जे आई डायगोनल के ऊपर, दोनों में माइनस का डिफरेंस, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। आपका कहानी आएगी एग्जाम्पल के साथ, डायगोनल पर प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। अगर डायगोनल पर विकर्ण पर प्लस रखोगे तो उसका माइनस कैसे पाओगे, अगर माइनस रखोगे तो उसका प्लस कैसे पाओगे, तो कहिए तो बड़ा संकट, बड़ी ही संकटपूर्ण स्थिति हो गई, क्राइसिस ऑफ लर्निंग जिसको कहते हैं। नहीं, लर्निंग में कोई क्राइसिस नहीं है, कोई समस्या नहीं है मैथमेटिक्स जो हल न किया जाए। तो हमारे गणितज्ञों ने सोचा अगर हम डायगोनल में जीरो जीरो रख दें तो क्या प्लस और क्या माइनस, तो सारी थ्योरी आगे बढ़ गई। डायगोनल में जीरो रख दिया, डायगोनल के ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस रखा, डायगोनल के ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस रख दिया। कहें ये नई तरह की मैट्रिक्स आई जिसको स्क्यू सिमेट्रिक या प्रतिसम्मित मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान रखें, डायगोनल पहले देखेंगे, डायगोनल में जीरो जीरो है तब हम आगे बढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अगर डायगोनल में जीरो जीरो नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता, तो ये भी ध्यान रखें। दूसरी वही मैट्रिक्स डायगोनल में जीरो जीरो, वन थ्री माइनस सेवन ऊपर है, माइनस वन माइनस थ्री और सेवन नीचे रहेगा। ऊपर नीचे का मेरा मतलब है कि मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल, ये ध्यान रखेंगे कि सर आपने ऊपर नीचे कहा था तो हमने कहीं कुछ रख दिया, नहीं रख सकते। सीसा लगाइए, उसकी इमेज के अनुसार आप प्लस माइनस रखेंगे। तीसरा एग्जांपल देखें, माइनस फिफ्टीन सिक्स माइनस नाइन्टी सेवन, डायगोनल में जीरो जीरो जीरो, माइनस फिफ्टीन की इमेज प्लस फिफ्टीन, प्लस सिक्स की इमेज माइनस सिक्स, माइनस नाइन्टी सेवन की इमेज प्लस नाइन्टी सेवन रखी गई। ये तीनों मैट्रिक्स जो हमने आपके सामने लिखा है, जिसको आपने नोट किया है, नहीं नोट किया तो जाना है, ये तीनों मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। जीरो जीरो की जगह कोई दूसरा नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन माइनस टू रख दीजिए, इसका स्क्यू सिमेट्रिक का करेक्टर क्रस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक नहीं रह पाएगी। तो बिगाड़ना भी आप जानिए, बनाना भी आप जानिए, जान गए चलिए थोड़ा आगे बढ़ लें। इनकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किसको कहते हैं बच्चों, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया, उनको जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, रिजल्ट एक मैट्रिक्स आएगा वो कैसा होगा। दो स्क्यू सिमेट्रिक ले लिया, उनका रिजल्ट क्या आएगा, जोड़ने पर, गुणा करने पर, घटाने पर, इसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर जोड़ेंगे, ध्यान से रखें मैट्रिक्स और ट्रांसपोज उसको जोड़ दीजिए, तो जब मैट्रिक्स और ट्रांसपोज जोड़ देंगे तो एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, जो भी बनेगी हमेशा सिमेट्रिक रहेगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पाने का एक आसान तरीका, एक मैट्रिक्स कुछ भी लग दीजिए, उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए ध्यान रखना, जल्दबाजी कर रहे हैं,
मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर रहेगी, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में सिमेट्री की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं पाया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, दोनों को घटा दिया, अभी जोड़ रहे थे, सिमेट्रिक आ रही थी, बच्चों ने गेस कर लिया, सर घटाने पे इसकी सिमेट्रिक आ जाएगी, रिजल्ट सामने बोर्ड पे आ गया। बिल्कुल, अगर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को जोड़ने से सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रही है तो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को घटाने से इसकी सिमेट्रिक मिलेगी। इस तरह के नॉलेज को, इस तरह के रिजल्ट को हम इंट्यूशनल रिजल्ट कहते हैं। आप लोग, आपका इंट्यूशन काम कर गया, जरूरी कि हमेशा सही हो, कभी कभी सही हो जाता है, सही हो गया, चलिए सही हो गया तो तीसरी प्रॉपर्टी देख लें। अब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली ए प्लस ए ट्रांसपोज, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक ले ली ए माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज कट जाए, टू आएगा, उसमें टू से डिवाइड कर देंगे तो ए आएगा। तो किसी मैट्रिक्स ए को ध्यान रखें, अटेंशन प्लीज बच्चेगण, श्रोतागण ध्यान दें, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में हम हमेशा लिख सकते हैं। एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बोर्ड पे सामने दिख रहा है। ये जाने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री का इम्पोर्टेंस पहचानने के लिए रिजल्ट नंबर तीन हम आपको बता रहे हैं। रिजल्ट चार पे आ जाएं, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास पहले से है तो उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, ए इंटू ए ट्रांसपोज, आगे लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें, राइट में मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन है राइट, बराबर आएंगे, स्क्यू सिमेट्री के प्रोडक्ट लेफ्ट राइट से बराबर हो जाएंगे ट्रांसपोज से, साथ में साथ अगर किसी स्क्यू सिमेट्री का स्क्वायर कर दें मैट्रिक्स का तो जो मिलेगी वो सिमेट्रिक हो जाएगी, जैसे माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें प्लस हो जाता है, उसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्वायर करने पर सिमेट्रिक होती है। अब क्वेश्चन अगला आएगा, दिमाग में आना भी चाहिए बच्चों के, कि सर अगर सिमेट्रिक का स्क्वायर करें तो करके देख लेना, सिमेट्रिक का स्क्वायर करोगे तो सिमेट्रिक आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्वायर करोगे तो भी सिमेट्रिक आएगा। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी प्लस माइनस से मिलजुल रही है, मिलती जुलती है। चलिए, अब इन्होंने कहा कि रियल की बात कर रहे हैं, रियल मैट्राइसिस मतलब जिसमें हम रियल नंबर को यूज करते हैं। अरे प्यारे बच्चों, ग्रेजुएशन लेवल पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में आते आते हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते पढ़ते कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी पढ़ लिया था, ऐसा मान लीजिए। सपोज दैट वी आर अवेयर अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर कॉन्जुगेट, मान लीजिए, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा मानने में, गणित के बच्चे हैं मान लेते हैं। तब क्या होगा, कोई मैट्रिक्स होगी उसके एलिमेंट को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस करेंगे तो जो मैट्रिक्स नहीं मिलेगी उसको ए पर बार लगाएंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए, अभी ट्रांसपोज ऑफ ए था, अब कॉन्जुगेट ऑफ ए, नहीं आया समझ में, एग्जांपल लीजिए समझ में आ जाएगी। ए मैट्रिक्स है 1 iota - iota और 3, 1 का कॉन्जुगेट, आयोटा का कॉन्जुगेट, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट और 3 का कॉन्जुगेट निकालिए और रख दीजिए, रख दिया, 1 का कॉन्जुगेट 1, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा और 3 का कॉन्जुगेट 3। तो देखिए जो नई मैट्रिक्स बनी 1 माइनस आयोटा आयोटा और 3, ये ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है उसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगी। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए बार। दूसरा एग्जांपल ले लें सर, दूसरा ले लेते हैं, लीजिए दूसरे एग्जांपल में हमने लिया ए इक्वल टू 1 - iota, पहली एंट्री, दूसरी है iota, तीसरी इंटू 3 - iota
और चौथी एंट्री है टू, टू बाई टू की मैट्रिक्स छोटी ले रहे हैं बड़ी ले सकते हैं, इट्स ऑन यू, ये आप पर डिपेंड करता है। इन चारों नंबर का कांजुगेट जिस बच्चे को पता होगा वो तुरंत लिख देगा, वन माइनस आयोटा का कांजुगेट वन प्लस आयोटा, थ्री माइनस आयोटा का थ्री प्लस आयोटा, आयोटा का माइनस आयोटा, और टू का, अरे रुको रुको जल्दबाजी में माइनस मत बोल देना, टू का कांजुगेट टू, किसी भी रियल नंबर का कांजुगेट वही नंबर रहता है, हम आयोटा के साइन को चेंज करते हैं तो कांजुगेट मिलता है, रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं होता, केवल इमेजिनरी पार्ट प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होता है कांजुगेट बनाने के लिए, इसलिए टू का कांजुगेट टू ही रहने देना, जल्दबाजी मत कर देना। आगे की बात बहुत सिंपल है, कांजुगेट निकाला उसका ट्रांसपोज निकाला, अरे सर क्या कर रहे हैं आप, कर नहीं सकते, पहले कांजुगेट निकाला फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं कांजुगेट पढ़ चुके हैं, दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, ट्रांसपोज का टीआर ले लें, कांजुगेट का जेयूटी ले लें और नाम दे दें ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट जो होगा TRAN JU GAT ट्रांजुगेट, उसको ए स्टार से डिनोट करते हैं, कैसे मिलेगा देखें, वन आयोटा माइनस आयोटा थ्री, इसका ट्रांजुगेट क्या होगा, वन आयोटा माइनस आयोटा थ्री, क्यों, क्योंकि इसका कांजुगेट निकाला है आपने पहले, आया वन माइनस आयोटा, आयोटा और थ्री, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया आ गया वन आयोटा माइनस आयोटा थ्री। अगर ध्यान से देखेंगे, मैं भी देख रहा हूँ आप भी देखें, कि ए और ए ट्रांजुगेट दोनों इक्वल दिख रहे हैं इंट्री वाइज, वन वन आयोटा आयोटा माइनस आयोटा थ्री थ्री, कोई चेंज नहीं आया, एक्सीडेंटली या इंटेंशनली मैंने जानबूझ करके ऐसी मैट्रिक्स ली जिसका ट्रांजुगेट खुद मैट्रिक्स आ जाए, आप कोई दूसरी मैट्रिक्स लेंगे उसका ट्रांजुगेट वही आ जाए ये कोई गारंटी नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए, जो आ जाएगा वही लिख देंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स और ट्रांजुगेट दोनों बराबर आ गए कोई बात नहीं, लिख देंगे ए इक्वल टू ए ट्रांजुगेट। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लें, इसका कांजुगेट निकालें फिर उसका ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांजुगेट मिलेगा, देखिए बदल गया, वन माइनस आयोटा आयोटा थ्री माइनस आयोटा टू था, ट्रांजुगेट निकाला वन प्लस आयोटा थ्री प्लस आयोटा माइनस आयोटा और टू आया, तो ऊपर के रिजल्ट को नीचे मत लगा देना कि ट्रांजुगेट हमेशा ए के बराबर आता है, नहीं, ये डिपेंड करेगा कैसी मैट्रिक्स है, कैसी इंटिटीज़ हैं, उसकी इंट्रीज कैसी दी हुई हैं, दोनों आपने देख लिया, इसलिए मैं बताया कि मैं जानबूझकर ऐसा लिया था कि दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट निकालने में आप गलती करें, जल्दी से वही लिख दें जो मैट्रिक्स लिखी हुई है, आपसे गलत हो जाएगा, फिर लगेगा हाँ हमें सही रिजल्ट लेकर चलना चाहिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ें, अब ट्रांजुगेट हमने परिभाषित कर दिया, डिफाइन कर दिया, ट्रांजुगेट की हेल्प से नई मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, हर्मिटियन या हर्मीशियन मैट्रिक्स नाम दे देते हैं, नाम कुछ भी दे दें, क्या होगा अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो उसको हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आपको याद आए किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो उसको सिमेट्रिक कहते हैं, रियल कॉम्प्लेक्स एंट्री होगी तो उसका ट्रांजुगेट बराबर हो जाए तो उसको हर्मिटियन कहेंगे, सिंपल सी बात है। पहली मैट्रिक्स आपने ली, एग्जाम्पल पीछे भी था अभी भी देखें, ए और ए का ट्रांजुगेट दोनों बराबर हैं तो गिवन मैट्रिक्स ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब बच्चे आगे समझ गए होंगे, आगे समझाने के लिए कुछ होगा नहीं, दूसरा एग्जाम्पल ले लें, बड़ा सा लें, बोर्ड पे देखें, टू वन प्लस आयोटा टू माइनस आयोटा वन माइनस आयोटा थ्री माइनस टू आयोटा टू प्लस आयोटा टू आयोटा और फाइव, इसका कांजुगेट निकालें ट्रांसपोज निकालें ट्रांजुगेट निकालें, तीन स्टेप में, जब आप ट्रांजुगेट निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट जो हमने निकाला है वो आपके बोर्ड पे लिख दिया, बी स्टार से डिनोट कर दिया, अब आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं, जान रहे हैं
कि बी और बी स्टार दोनों बराबर हैं, इसलिए हमारे द्वारा ली गई मैट्रिक्स ट्रांजुगेट मैट्रिक्स है, हर्मीशियन मैट्रिक्स है। चलिए हर्मीशियन के बाद इसकी हर्मीशियन आ गया, सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक, हर्मीशियन इसकी हर्मीशियन। इसकी हर्मीशियन की जब बात करेंगे पीछे के नाले से, इसकी हर्मीटियन की जब बात होगी तो पीछे के नाले से आप समझ गए होंगे ए ट्रांजुगेट इक्वल टू माइनस ए। माइनस लगा दिया इसकी सिमेट्रिक मिली थी, माइनस लगा दिया इसकी हर्मीटियन मिली। वहाँ पे ट्रांसपोज से काम करते थे, कॉम्प्लेक्स में हम किससे काम करते हैं, हाँ सोचिए, ट्रांजुगेट से, ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट। एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए, आयोटा टू माइनस टू थ्री आयोटा, इसका ट्रांजुगेट निकाला माइनस आयोटा माइनस टू टू माइनस थ्री आयोटा इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो देखिए अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा, आना चाहिए, कि जब हम इसकी उस सिमेट्रिक की बात करते हैं तो डायगोनल में जीरो होता है, इसकी हर्मीटियन की बात करेंगे तो सर डायगोनल जीरो होना चाहिए। रुकिए रुकिए रुकिए, डायगोनल में जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो ठीक है आपका सोचना, लेकिन डायगोनल में प्योर इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन हो गया। ये लीजिए आप आपके भी मन की बात हो गई, जीरो हो कोई बात नहीं है, प्योर इमेजिनरी नंबर हो। अब जीरो क्या है सर ये बताइए, रियल है कि इमेजिनरी है, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स है, ये झगड़े में न पड़े। जीरो रहेगा तो भी एक्सेप्टेड होगा, नॉन जीरो रहेगा अगर तो उसको प्योर इमेजिनरी होना पड़ेगा। ये दूसरा देख लीजिए आपके सामने, बी लिया हमने, डायगोनल में देखेंगे टू आयोटा थ्री आयोटा और जीरो, जीरो के साथ आयोटा लगा दो तो इमेजिनरी हो जाएगा, आयोटा हटा दोगे तो रियल हो जाएगा। ये जीरो की हाल बड़ी बेहाल है, इसलिए जहाँ जरूरत पड़े वही मान लिया करो बच्चों, इसमें डिबेट और डिस्कशन हम नहीं करते, क्योंकि जब ये इसकी खुद की पोजीशन अनसर्टेन है तो हम क्यों डिसाइड करें। तो जीरो दोनों हैं, जहाँ जैसी जरूरत पड़ जाए। इसका ट्रांसपोज निकाला, कॉन्जुगेट निकाला, मिक्स किया, ट्रांजुगेट निकाला, आप देखेंगे ट्रांजुगेट माइनस बी के बराबर हो गया। तो गिवन मैट्रिक्स बी इज आल्सो इसक्यू हर्मीटियन मैट्रिक्स, आप रिजल्ट देंगे, डायगोनल पर ध्यान से देखेंगे तो होगा या तो प्योर इमेजिनरी नंबर है या जीरो है, जीरो भी रह सकता है। हम जीरो को प्योर इमेजिनरी नंबर नहीं बोल सकते और प्योर रियल भी नहीं बोल सकते, इसलिए हम चुपचाप रहते हैं, मौन हो जाते हैं कि फॉर इसक्यू हर्मीटियन इन डायगोनल देयर शुड बी प्योर इमेजिनरी नंबर्स और जीरो, ये तब बोल दीजिए, ठीक है एक्सेप्टेड। आगे बढ़ लें, रिजल्ट ले लें, जैसे सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक के रिजल्ट लिए थे उसी पैटर्न पे इनके भी रिजल्ट होंगे। ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट दोनों के ट्रांजुगेट के सम के बराबर होगा, ए और बी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांजुगेट दोनों के रिवर्सल रूल से फॉलो करेगा। रिवर्सल रूल आपको बताया था कि ए इंटू बी था लेफ्ट में तो राइट में बी इंटू ए हो जाएगा, अगर लेफ्ट में बी इंटू ए होता तो राइट में ए इंटू बी हो जाता। तो जो प्रोडक्ट का क्रम है, ऑर्डर है, सीक्वेंस है जो प्रोडक्ट का, उसको आपको रिवर्स कर देना होता, रिवर्स कर देंगे आपका काम बन जाएगा। ओके, ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी देखें, वही पुरानी प्रॉपर्टी, क्या ए प्लस ए ट्रांजुगेट, ए माइनस ए ट्रांजुगेट की कहानी कैसे बनी, ए प्लस ए ट्रांजुगेट, ए माइनस ए ट्रांजुगेट, इन दोनों को सम करिए, आपको एक नई मैट्रिक्स आर प्लस ए मिलेगी। एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एट सम ऑफ हर्मीटियन एंड इसक्यू हर्मीटियन मैट्रिसेस, ये मिल गया आपको रिजल्ट थ्री। अगर आप पीछे के रिजल्ट से मैच करेंगे तो आपको आसान लगेगा, पीछे का रिजल्ट नहीं लिखा है कोई बात नहीं है, फिर देख लीजिएगा मैच कर जाएगा। रिजल्ट नंबर फोर, ये देखिए 3
थ्री और फोर को डिफरेंस अगर देखना चाहेंगे तो क्या मिल रहा है कि जो 1/2 था उसको आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और जो आर प्लस एस लिख रहे थे उसको पी प्लस आयोटा क्यू लिख दिया, बाद बाकी सेम चीज़ है। तो आप किसी तरह से लिख सकते हैं, मैट्रिक्स का सम आर प्लस एस के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स ए को, और उसी मैट्रिक्स ए को पी प्लस आयोटा क्यू के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो लिखने के तरीके अलग अलग जनरेट कर सकते हैं, क्यों करेंगे, क्यों आपके दिमाग में रहना चाहिए, आंसर हम ही देंगे। आपके प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी अपने दिमाग में लाइए, हम उसको पकड़ करके आंसर देते रहेंगे आपसे। अब आया डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिटियन आर ऑलवेज रियल, रिजल्ट हर्मिटियन में देखेंगे। जैसे डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर ऑलवेज जीरो, डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिटियन आर ऑलवेज रियल, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिटियन आर ऑलवेज प्योर इमेजिनरी या जीरो। तो ये रिजल्ट हैं, मोर रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स पे एक्सरसाइज में हम प्रोडक्ट में चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, हमें जो काम का है हम उस रिजल्ट की बात करना चाहेंगे। ये कुछ रिजल्ट हैं जो बच्चों को जानना चाहिए। प्यारे बच्चों, इन रिजल्ट का जब कभी यूज आएगा हम आपसे डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में, तो हम इनको ले आएंगे शो करने के लिए, आपको बताने के लिए कि और रिजल्ट भी होते हैं और वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट होते हैं। बट आज के रेफरेंस में अगले कुछ क्लासेस में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इनको स्किप करके आगे ले चल रहे हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, दैट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अगर अपनी भाषा में कहें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैं तो श्योर हूँ आप भी श्योर हो जाएं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको ट्वेल्थ में बताए गए, पढ़ाए गए हैं, आप ट्वेल्थ पास करके सब लोग आए हैं, आप जानते हैं। इसलिए मैं स्पीड से आपको बताऊंगा कि तीन ऑपरेशन होते हैं। नंबर वन, ऑपरेशन नंबर वन, कोई भी दो रो, कोई दो पंक्ति या कॉलम को इंटरचेंज कर लें, पहली रो को दूसरी बना दीजिए, दूसरी को पहली, एक्सचेंज ऑफर जिसको होता है, इंटरचेंज जिसको कहते हैं हम, तीसरे कॉलम को पहले पे लिख दीजिए, पहले को तीसरे पे लिख दीजिए। चलिए, पहले को तीसरे पे, तीसरे को दूसरे पे, दूसरे को पहले, कहीं भी सफलिंग करते रहिए, लेकिन सिस्टमेटिक सफलिंग होनी चाहिए, कुछ भी रैंडम नहीं होता। मैथमेटिक्स कभी रैंडम की बात नहीं करता, मैथमेटिक्स हमेशा सिस्टमेटिक की बात करता है। तो किन्हीं दो रो को आपस में इंटरचेंज कर लें, किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लें, इस प्रोसेस को एलिमेंट्री ऑपरेशन नंबर वन कहा जाता है। नंबर टू क्या कहलाता है ये भी देखें, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, के पी एक्स ए बी सी, जीरो नहीं, किसी रो या किसी कॉलम में, दोनों में नहीं, रुकिए, इतनी जल्दबाजी मत करिए, आप रो में काम कर रहे हैं तो रो में काम करें, कॉलम में काम कर रहे हैं तो कॉलम से बढ़ें, एक साथ दोनों में नहीं। रो नंबर दो लिया, उसमें कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे हर एंट्री में, रो का मतलब हर एंट्री, एंट्री वन टू थ्री फोर फाइव, जितनी एंट्री रो में हैं सब में कैसे मल्टीप्लाई किया, मतलब थ्री से मल्टीप्लाई किया तो थ्री 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 सबसे गुणा कर दिया, फाइव था तो थ्री से मल्टीप्लाई, 15 हो गया। तो ये ऑपरेशन नंबर टू कहलाता है, इसका नाम होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन नंबर टू। ध्यान रखें, आगे जब कभी हम आपसे बात करेंगे तो यही बताएंगे कि बच्चों यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन टू लग रहा है जिसमें थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप कहो ना ये टू लग रहा है, थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ, इस ऑपरेशन का नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन टू। चलिए ऑपरेशन थ्री की बात करें, एडिशन ऑफ ए मल्टीपल ऑफ रो इन अनदर रो, किसी रो में, अब कॉलम भी साथ में ले सकते हैं, हम केवल रो की बात करें, किसी भी पंक्ति में तीन से मल्टीप्लाई कर दिया, उस मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए उसको ले जाकर किसी दूसरी पंक्ति में जोड़ दिया,
तो इसको कहेंगे कि एक रो में मल्टीप्लिकेशन करके उस पूरे मल्टीपल जो आ रहे हैं उनको किसी रो में जोड़ देना, ये ऑपरेशन नंबर 3 कहलाता है, जो अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में समझा रहे हैं, न तो लिखा समझ आए न समझाया समझ आए, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो कुछ हो नहीं रहा है, मैथमेटिक्स में आ जाते हैं लिखने का तरीका। अब थोड़ा सिंबल ले आते हैं, आर आई को आर जे से और आर जे को आर आई से एक्सचेंज कर दिया, सी आई सी जे सिम, ये डबल एरो जो चिन्ह लगा है ये एक्सचेंज के लिए बताता है। दूसरा, आर आई में के से मल्टीप्लाई कर दिया तो के इंटू आर आई, इसको कहेंगे आर आई इज रिप्लेस्ड बाई के इंटू आर आई, आर आई इज रिप्लेस्ड बाई के टाइम्स आर आई। रो नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो को बदल दिया गया, ये हिंदी हुई, अब अंग्रेजी हुई, हिंदी हुई, मैथमेटिक्स भी आएगी। तीसरा ऑपरेशन, आईथ रो है, उस रो में जेथ रो से के से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया गया, लिखा आर आई प्लस के इंटू आर जे, पहली रो में चौथी रो का 2 गुना जोड़ दिया गया, क्या लिखेंगे आर वन इज रिप्लेस बाई आर वन प्लस 4 × 2 × r4, 2 से मल्टीप्लाई करके आर फोर को जोड़ा गया। न्यूमेरिकली आएंगे तो ज़्यादा अच्छा मिलेगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसको लिखने का तरीका, ई आई जे एलिमेंट्री ऑपरेशन इन बिटवीन आईथ एंड जेथ रोज आर कॉलम्स, सिंबल के रूप में कैपिटल ई आई जे लिखेंगे। दूसरा सिंबल क्या यूज करेंगे ये भी देखिए, ई आई मल्टीप्लाइड बाई के विद इन ब्रैकेट के, आईथ रो में के से मल्टीप्लाई किया गया, लिखने का तरीका, और एलिमेंट्री के कारण ई, ई आई विद इन ब्रैकेट के, तीसरा कैसे लिखेंगे ये भी देख लें, ई आई जे मल्टीप्लाइड बाई के, आईथ रो है, जेथ रो है, जेथ रो में के से मल्टीप्लाई किया गया है, आईथ रो में जोड़ा गया है, इसको सिंबॉलिकली प्रतीक के रूप में गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं ये बोर्ड पे हमने आपको बताया, कैपिटल ई डिनोट्स, कैपिटल ई सोज एलिमेंट्री ऑपरेशन, आई जे सोज बिटवीन आई एंड जे, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन, देयर इज एक्सचेंज नो एक्सचेंज, मल्टीप्लाइड बाई के, जेथ रो में के से मल्टीप्लाई किया गया, आईथ रो में जोड़ दिया गया, ये सिंबल्स हैं जिसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं एक्सेप्ट करेंगे सर एग्जाम्पल ले आइए, ले आते हैं, या सिंपल सी बात, कंप्यूट द फॉलोइंग एलिमेंट्री मैट्राइसेस, ई 2 3, ई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ई 3 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, ई 1 2 मल्टीप्लाइड बाई -2, पहले इन सिंबल का अर्थ समझ लें फिर हम क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन भी ला दीजिए, ये आ गया, ए का मतलब है मैट्रिक्स ए है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सिंपल, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े बच्चों, इसलिए सबसे सिंपल मैट्रिक्स दी गई है, इस सिंपल मैट्रिक्स के तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने कह दिया किसको करिए, ई 2 3 का मतलब हुआ सेकेंड रो को थर्ड बनाइए, थर्ड को सेकेंड बनाइए, कंप्यूटर जी कुछ बताएं बच्चों को कि क्या करना है इनको, ये देखिए सेकेंड रो का जो सेकेंड रो में जो 0 1 0 था उसको नीचे खिसका दिया, और थर्ड रो का जो 0 0 1 था उसको ऊपर कर दिया, 2 को 3 से 3 को 2 से चेंज कर दिया, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन ई 2 3 कहलाता है, समझ में आ गया। चलिए सेकेंड ऑपरेशन हम देख लेते हैं आपको, ई 2 4, सेकेंड रो में 4 से मल्टीप्लाई करना, अरे मेरे प्यारे बच्चों 0 में 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 में किया 4 और 0 में किया 0, तो 0 4 0 आ गया, पहली और तीसरी रो चुपचाप सोती रहेंगी, बैठी रहेंगी, खड़ी रहेंगी, जैसा भी उनका मन है ऐसा करेंगे,
उनको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमारे टिकटिकी देवी सामने हैं बच्चों, टिकटिकी देवी बता रहे हैं कि समय 5 मिनट बचा है और हम चाहेंगे कि उन 5 मिनट में हम आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन तक ले चलें। चलिए तीसरा ऑपरेशन E3 1 × -2, देखा थर्ड रो को फर्स्ट रो की हेल्प से रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करना है? -2 से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो में और थर्ड रो में ऐड कर दें, रिजल्ट आया -2, 0 और 1, इजंट इट। तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने सिंपलेस्ट मैट्रिक्स लेके आपको समझाने की कोशिश की। हम मान लेते हैं कि आपको नहीं समझ में आया, आएगा क्यों नहीं आएगा, ये देखिए अगला एग्जांपल E12 with -2, फर्स्ट रो में सेकेंड रो के डबल को सब्ट्रैक्ट करना है, रिजल्ट आ गया 1 -2, 0, 0, 1, 0, सेकेंड रो नहीं बदलनी है केवल फर्स्ट 0, 0, 1। इस E12 by -2 का ट्रांसपोज निकालना है, तो पहली रो जो थी 1 - 2, 0, उसको पहला कॉलम बनाया, दूसरी रो थी 0, 1, 0, उसको दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो थी 0, 0, 1, उसका तीसरा कॉलम बना दिया। तो एक कदम और आगे बढ़ गए कि तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन के साथ साथ ट्रांसपोज भी ऑपरेशन के बाद निकाल सकते हैं, या हम लोगों ने निकाला। इन सब की जरूरत आगे हमें पड़ेगी, इसलिए इनको हमने सीखा। आइए इनवर्स, अब आपके पास एक मैट्रिक्स होगी, 5 एक नंबर होता है, -5 जोड़ देंगे 0 आ जाएगा, तो एडिटिव इनवर्स कहते हैं। 5 में 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, गुणन का प्रतिलोम और जोड़ का प्रतिलोम। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब प्रतिलोम संख्याओं में पाया जाता है, गुणा के रिस्पेक्ट में, जोड़ के रिस्पेक्ट में, तो मैट्रिक्स में भी पाया जाना चाहिए, पाया जाना चाहिए, पाया जाता है, पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या पाओगे? 0 में किसका गुणा करोगे 1 हो जाए? तो कहेंगे नहीं हो सकता। इसी तरह से मैट्रिक्स में भी है कि ऐसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल पाएंगे जिस मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा पहला नंबर, और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स होनी चाहिए। दो तरह का कंडीशन लगाते हैं इनवर्स निकालने के लिए। आज आप लोग ये दिमाग में बैठाएं कि जो भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की बात होगी वह मैट्रिक्स स्क्वायर होगी और नॉन सिंगुलर, या उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। मैट्रिक्स स्क्वायर कब होती है आपको पता है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाएं। नॉन सिंगुलर कब होती है? उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए। डिटर्मिनेंट क्या होता है ये भी आपको बताया जा चुका है, लेकिन जब हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे तो ज़रूर इस तरह की बात करेंगे कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाए। ध्यान दें, 12th क्लास में आपने निकालना सीखा था, हम एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे और अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।